हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया भटनागर। हमारे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिससे आप अपने चेहरे या हाथों को मिनटों में गोरा बना सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले दोस्तों क्या यूज़ करना है, वो है दोस्तों नींबू। नींबू में दोस्तों सिट्रिक एसिड होता है जो हमारे डेड स्किन को बाहर निकाल फेंकता है। दोस्तों, ये जो है हमारे चेहरे के रोम छिद्रों में जाकर डर्ट पोल्यूशन को बाहर निकाल देता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो है हम इस नींबू का रस निकालेंगे। इस कटोरी में दोस्तों हम जो आधे इस नींबू का रस निकाल लेंगे। आपको दोस्तों कुछ इस तरह से जो है इसका रस निकालना होगा। नींबू का दोस्तों रस निकालने के बाद अब आपको लेना होगा दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों हम लेंगे इनो। इनो दोस्तों जो है हमारे चेहरे को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो दोस्तों, आपको जो है इसको यूज कैसे करना है वो आप इस वीडियो के अंदर देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो हम इस इने को अपने हाथों पर निकालेंगे, यहाँ पर दोस्तों आप देख रहे हैं कि हमें जो है इनो अपने हाथ पर निकालनी होगी। हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा इनो लेंगे दोस्तों। थोड़ा सा इनो लेने के बाद दोस्तों आपको जो है ये नींबू का रस इसमें डालना होगा। नींबू का रस दोस्तों डालते ही इसमें जो है तेजी से झाग उठनी शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों, आपको इसको जल्दी से अपने हाथों पर रगड़ना होगा। अगर आप अपने मुंह को गोरा करने चाहते हैं तो आप अपने मुंह पर लगा लीजिए। अगर हाथों को लगाना गोरा करना चाहते हैं तो आपको हाथों की इस तरह से मसाज करनी होगी। दोस्तों, आपको जो है इसको 2 मिनट तक अपने हाथों या मुंह की जो चेहरे की है मसाज कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद दोस्तों आप किसी भी नॉर्मल पानी से अपने चेहरे को धो लीजिएगा। दोस्तों, आपको जो नुस्खा है अपनी आंखों से बचाते हुए, विशेष ध्यान में रखते हुए अपनी आंखों से बचाते हुए नुस्खे को यूज करना है। आपको दोस्तों बता दें कि आपको जो नुस्खा है महीने में सिर्फ 2 ही बार यूज करना है, 15 दिन में 1 बार और महीने में 2 बार। इससे ज्यादा आप इसको ट्राई मत कीजिएगा दोस्तों। ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इस वीडियो के रिगार्डिंग कुछ जानना या पूछना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।